जिंदगी आसान नहीं है, संघर्ष से भरपूर है, मगर इसमें कई लोग हैं जो इस संघर्ष से ऊपर उभर कर मुस्कुराते हुए इस जीवन को जीते जाते हैं, और हम में से कई लोग मुस्कुराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। ऐसे में हम अक्सर किसी न किसी सहारे को ढूंढते हैं, या तो वो सहारा कोई व्यक्ति बनता है या फिर कोई पदार्थ। मगर दुख की बात यह है कि जब भी हम किसी और पे, व्यक्ति या पदार्थ पे निर्भर होंगे, तो जिस दिन वो मौजूद नहीं होगा तो हमारी दशा और भी बुरी हो सकती है। हम खुद उस स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शक्ति खुद बने, अपना सहारा किसी और में नहीं खुद में ढूंढें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि हम कितने बलवान हैं, हमारा मनोबल कितना दृढ़ है, हम खुद का कितना अच्छा सहारा बन सकते हैं। अपनी इस खूबसूरती को देखने के लिए ज़रूरी है कि बाहर की जो भी चीज़ें हमने आज तक देखी हैं उसको बंद कर दें और मन में झांकें, अपने अंतर मन को देखें। इसके लिए सबसे सही तरीका है रोज़ ध्यान में बैठना। यह आपको खुद से वाकिफ करवाता है, आपका परिचय करवाता है उससे जो आप बनना चाहते थे और जो कहीं ना कहीं इस संसार की सारी नकारात्मकता में खो चुका है। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और दोबारा अपनी परम आवाज़ से जुड़ते हैं, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हथेलियां गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें और चेहरे पर एक मन सी मुस्कान रखें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे रोक लेंगे, और अब सांस छोड़ते हुए शरीर से सारे तनावों को बाहर जाने दें, बाहर की तरफ बहने दें। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे फिर से रोक लीजिए। इस सांस को पूरे शरीर में फैलने दीजिए, और अब मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, और इसे रोकने के बाद अब जब हम सांस छोड़ेंगे, हम अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ देंगे, माथे को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल शांत आरामदायक स्थिति में आने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आपके शरीर के चारों ओर एक प्रकाश है, सफ़ेद रंग का ये प्रकाश पूरी तरह से आपको लपेटे हुए है। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस लेंगे, ये प्रकाश और ऊर्जावान होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जिस तरह से ये प्रकाश बढ़ता है, आपके चेहरे की मुस्कान भी बढ़ती रहेगी, और एक तरह की शांति आपके अंदर छाने लगेगी। जिस तरह हम जब पानी में होते हैं और हमें बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, यही देखना है कि इस प्रकाश के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस पल में जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज़ के सिवाय बाहर की कोई आवाज़ आपको बस और गहरे ध्यान में लेकर जाएगी और शांत स्थिति में लेते हुए जाएगी। अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर की तरफ लेकर जाएं। देखिए किस तरह से शरीर के सारे अंग शांत होते जा रहे हैं। आपका हृदय धड़कन शांत होती जा रही है, सांस इतनी आसानी से अंदर और बाहर जा रही है कि शरीर को उसकी वजह से किसी तरह का भारीपन नहीं है। रक्त संचालन नियंत्रित होता जा रहा है। एक तरह की शांति आपके अंतर मन में छाने लगी है। इस शांति से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं। देखिए कि आपके पैरों से लेके
टांगों में होते हुए कमर में रीढ़ की हड्डी में छाती में पेट में गर्दन में गले में मुंह में आँखों में कानों में मस्तिष्क में हाथों में नाखूनों में फैल चुकी है। किसी भी तरह के शरीर की कंपन को अब आप महसूस कर सकते हैं। इस शांत स्थिति में आपका मन अंदर से क्या विचार दे रहा है, कितनी शक्ति है आपके अंदर, किस किस परिस्थिति से आप उभर कर आ चुके हैं और कितनी और ऐसी परिस्थितियों को आप आसानी से सुलझा कर आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा की वो शक्ति जो इस दुनिया में हर चीज़ को आसानी से संचालित कर रही है अब आपके अंदर हर कण में बह रही है और आपको और शांत मगर ताकतवर बनाती जा रही है। आपका मन पूरी तरह से शांत होकर सही दिशा चुनने के काबिल हो चुका है और जब भी मन आपका विचलित हो तो इसी तरह ध्यान में बैठकर इस प्रकाश से अपने आप को घेर कर आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ पल स्थिति में बैठ के जानिए कि आपके अंतर्मन में कितनी ताकत है और आप कितने काबिल हैं। और अब हम धीरे से वापस आएंगे अपने भौतिक जीवन में। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और ऊर्जावान इन हाथों को अब अपनी आँखों पर रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए, चेहरे पर मुस्कान बने रहने दीजिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। हर परिस्थिति में अपना विवेक और ध्यान बरकरार रखने के लिए आज से आप तैयार हैं।